हमारा आज का प्रैक्टिकल है टेस्ट ऑफ टेस्टिस ओवरी एंड ब्लास्टुला। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ मैमिलियन टेस्टिस। तो मैमिलियन टेस्टिस के बारे में हम जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है और ये स्पर्म फॉर्म करने में काम आता है। तो इसके अंदर के मैकेनिज्म हमें समझनी है, इसके अंदर का जो एनाटॉमिकल फीचर्स है वो हमें देखना है। तो अब हम उसको डिसेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास में जो परमानेंट स्लाइड बनी हुई है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की, हम उसी को आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। आप सबसे पहले स्लाइड लीजिए, स्लाइड को वॉश कीजिए, आप माइक्रोस्कोप लेके आइए, उसको अच्छे से क्लीनर वॉश कीजिए। सबसे पहले उसमें लाइट सेट करिए, जब उसमें लाइट अच्छे से सेट हो जाए तब आप उसमें स्लाइड को फिट करिए। अब उसको एकदम 10x पे आपको सेट करके उसको ऑब्जर्व करना चालू करें। जब आपको उसमें अच्छे से विजुअलाइज होना चालू हो जाए, देन आप क्या कीजिए, आपके पास में जो नोज पीस है उसको 45x पे टर्न कर दीजिए और उसको आप ध्यान से उसमें ऑब्जर्व करें। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है वो चीज़ देखनी है आपको, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट है, आपको स्पर्मेटोजोआ है, यानी जितने भी टेस्टिस के इंटरनल के जो पार्ट्स थे जो आप पढ़ते हो जनरली कि गैमेटोजेनेसिस में कि गैमेट फॉर्म कैसे होते हैं, तो सारी स्टेजेस आपको इसमें वन बाय वन देखनी है। उसके अलावा उसमें लेडिंग सेल आपको ऑब्जर्व करनी है, लेडिंग सेल कहाँ रखी है। तो जितने भी पार्ट इसमें होते हैं वो आप सब आराम से स्लाइड को पूरा घुमा के आप इजीली उसको पूरा ऑब्जर्व करें, तभी आप उस टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की या जो स्लाइड आपके पास अवेलेबल है तब आप उसको प्रॉपर जान पाओगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है और क्या चीज़ हमको देखनी है। खाली जस्ट मैं बच्चों को देखता हूँ, अक्सर बच्चे स्लाइड डाल देते हैं और देख के तुरंत बाहर निकाल देते हैं और बोलो सर दिख जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसको आराम से 10x से 45x पे शिफ्ट करके हर एक पार्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसकी आउटर लेयर, उसकी इनर लेयर, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ को प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करना है। हमारी सेकेंड स्लाइड है वो है टीएस ऑफ ओवेरी। ओवेरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेल में टेस्टिस उसी तरह फीमेल में ओवेरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओवेरी के अंदर एग डेवलप होता है और सेक्सुअल साइकिल के अंदर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो भी ओवेरी की परमानेंट स्लाइड होती है वो स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड को सेम कहानी 10x पे सेट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि हमें स्लाइड को पूरा कम्प्लीटली रोटेट करके ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डायग्राम है या बहुत बड़ा इसका माउंटिंग पोर्शन है, तो हमें इसमें हर जगह देखना है। क्योंकि हम लोग जिसका बेसिक पढ़ते हैं तब हम अलग अलग फॉलिकल्स पढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इन फॉलिकल के डेवलप के बाद में बनती है ग्राफिन फॉलिकल, ये ग्राफिन फॉलिकल से बाद में ओव्यूलेशन से एग वो बाहर आ जाता है, जो पीछे खाली पाउच बचता है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो जितने भी पार्ट्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स हैं या फिर कॉर्पस ल्यूटियम है, तो आपको इन सब पार्ट को ऑब्जर्व करना है। आप स्लाइड को लगा के आराम से उसको बैठ के हर एक कॉर्नर तक आप अपना जो स्लाइड है उसे घुमाएं और उसको 10x से 45x तक रोटेट करते हुए या 45x पे सेट करके मैग्नीफाइंड करके इसको अच्छे से हर एक लेयर को ऑब्जर्व करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप उस स्लाइड के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज ले पाओगे। आपको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया गया है बट थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप देखो तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट बारी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम स्टडी करेंगे ब्लास्टुला स्टेज की। तो आप सब लोग अवेयर हैं, आप सब लोगों ने 12th क्लास में लेसन 3 पढ़ रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप सब ने वहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा। जब जायगोट डेवलप होता है, जब आपका ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है तो जायगोट डेवलप होता है। तो जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। पहले जायगोट सिंगल सेल था, दो सेल बनती है, चार सेल बनती है, आठ सेल बनती है, मोरूला बनता है, देन ब्लास्टुला बनता है। तो यहाँ हमें उसी ब्लास्टुला स्टेज को ऑब्जर्व करना है। तो आप सेम कहानी स्लाइड लीजिए, स्लाइड को वॉश करके आप माइक्रोस्कोप में उसको लोड कीजिए या माइक्रोस्कोप में उसको सेटअप कीजिए और उसको ऑब्जर्व करना चालू कीजिए।
अब माइक्रोस्कोप में आपको पूरे स्फेरिकल पार्ट को आपको अच्छे से स्लाइड को उसको चारों कॉर्नर से घुमा के देखना है, कोई बिल्कुल एकदम स्फीयर एकदम गोलाकार संरचना दिखाई देती है और वो गोलाकार संरचना को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। तो गाइस ये थे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट की परमानेंट स्लाइडें, अगला प्रैक्टिकल जल्दी अपलोड हो जाएगा। गाइस वीडियो हर एक तक पहुँचाए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम आप कमेंट कीजिए। और ये आखिरी है, ब्लास्टुला का मैंने डेवलपमेंट भी आपको एक बार दिखा रखा है। थैंक यू सो मच।